खबर का रुख कर लेते हैं। बिलासपुर से इस वक्त मिल रही जेसीसी के अध्यक्ष स्वामित जोशी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जिले जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल जेल में बंद है अमित जोगी। चुनाव में हलफनामे में गलत जानकारी देने का उन पर आरोप है। भारतीय जनता पार्टी से उस वक्त की कैंडिडेट थी समीरा पैकरा, जिन्होंने शिकायत की थी, जिनकी शिकायत के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई। शैलेंद्र पाठक हो गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कितनी बड़ी राहत माना जाए अमित जोगी के लिए जिस तरह से उनको ये जो राहत मिली है, और साथ ही क्योंकि लंबे वक्त से वो मशक्कत भी कर रहे थे जमानत के लिए। शैलेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो शैलेंद्र से जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको एक बार चलिए फिर से बता देते हैं। यहाँ पर अमित जोगी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जूनियर जोगी को कोर्ट से जमानत मिल गई है। कई दिनों से जेल में बंद थे। चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट समीरा पैकरा, जो 2013 में चुनावी मैदान में अमित जोगी के सामने थी, उन्होंने ये शिकायत की थी कि अमित जोगी ने अपने हलफनामे में जाति को लेकर गलत जानकारी दी है। उसके बाद से ही जाति को लेकर अमित जोगी को लगातार घेरती आई थी समीरा पैकरा। भारतीय जनता पार्टी से 2013 में अमित जोगी के खिलाफ मैदान में खड़ी हुई थी, और जिन्होंने शिकायत की थी इससे पहले इनकी गिरफ्तारी जब हुई थी, गिरफ्तारी से पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, और साथ ही एसपी ऑफिस के सामने इन्होंने धरना दिया था। उसके बाद अमित जोगी ने यह भी कहा था कि दबाव के चलते उनकी गिरफ्तारी की गई है, उसके बाद ये लंबी कवायद में जुटे रहे कि इनको जमानत मिल जाए, लेकिन इनको जमानत निचली अदालत से इनकी जमानत याचिका बार बार खारिज कर दी गई। शैलेंद्र पाठक एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़ी राहत यहाँ पे अमित जोगी को मिल गई है। लंबे वक्त से कवायद कर रहे थे, मशक्कत में लगे हुए थे कि जमानत मिल जाए, लेकिन आज वो जाके उनकी मेहनत कामयाब होती नजर आ रही है। कितनी बड़ी राहत इसको माना जाए? एक बहुत बड़ी उनकी जो राजनीतिक जीत है, जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई के बाद इस तरीके से अमित जोगी को जमानत दी है, एक तो बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी राहत है कहना चाहिए पूरे जोगी परिवार के लिए। जोगी का क्योंकि भी मामला इनका अटका हुआ है, ऐसे में जो पूरा परिवार है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। शैलेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से वो ऐसी कौन सी दलीलें दी गई थी जिससे मुतासर होकर जज ने इनकी जमानत अर्जी को मान लिया और इनको जमानत दे दी? ये जो अभियोजन पक्ष की तरफ से खास बात ये रही कि जिस तरीके से जो कहा गया है कि दस्तावेजिक चूंकि अपराध है, ये अपराध कोई बहुत गंभीर नहीं है कि जिसके लिए जेल में रखा जाए, कस्टोडियल जांच में रखा जाए, कड़ी निगरानी में रखा जाए और उनके जांच और पूछताछ कड़ाई की जाए। ये मामला पूरा दस्तावेजी जांच का मामला है, क्योंकि ये मामला इलेक्शन जो उनकी चुनाव याचिका थी उसमें सामने आ चुका है। ये बड़ी दलील जो है जबलपुर के जो वकील है सुरेंद्र सिंह और इसका फिलहाल के विवेक शर्मा, ये इन लोगों की तरफ से ये बहुत दलील दी गई कि ये आपराधिक मामला पूरी तरह से दस्तावेजी है। इसको लेकर के जो जांच का दायरा है और जो तमाम पुलिसिया कार्रवाई है वो उसमें जो दस्तावेज है वो साथ है वो उपलब्ध कराए जा सकते हैं, और ये साफ तौर पर इलेक्शन पिटिशन लगती है जिसके सामने आ भी चुकी है। तो ये बड़ा आधार जो है वो इलेक्शन पिटिशन में तो वो जो अभी जो भी वो बना रहा है तरफ जो पहले फेवर में जो हुआ था, और उसी आधार से कहीं ना कहीं ये भी चीज उनको इस जमानत में जो लेने में राहत मिली है और मदद मिली है जिसकी तोरेला जेल में लंबे समय से। समीरा पैकर की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस पूरे मामले को लेकर, जिस तरह से हाईकोर्ट से अमित जोगी को राहत मिली है, जमानत याचिका जो लगाई गई थी वो बार बार पहले तो निचली अदालत में खारिज हो रही थी, लेकिन इस बार उनको जमानत मिल गई है हाईकोर्ट से, किसी तरह का रिएक्शन समीरा पैकर की तरफ से? समीरा पैकरा से बात करने की कोशिश की गई लेकिन बात नहीं हो पाई, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से राजनीतिक रूप से मामला चल रहा है और पूरे तरीके से न्यायालय उसमें चल रहा है, तो ये समीरा पैकरा निश्चित रूप से जो संभावना है कि वो आगे भी इसको लेकर के जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल तो एक बड़ी बात यह है कि जो जोगी परिवार को एक बड़ा चीज़ सिंगल बेंच ने जो आदेश दे दिया है तो वो लगभग जो है बड़ी कोर्ट में भी वो लगभग स्टैंड रहता है। तो एक बड़ी राहत जो जोगी परिवार के लिए, स्वयं अमित जोगी भी जो जेल में तोरेला जेल में बंद है और जिस तरीके से वो अभी पुलिस की कस्टडी में है, तो ये तमाम चीजें पुलिस जेल भी चाह रही थी कि जांच ना, हालांकि जांच जेल में हो नहीं रही थी, तो ऐसे में एक बड़ा आधार इनके पास ये मिला इनको कि वो चूंकि मामला पूरी तरह से दस्तावेजी और कागजी है, तो कागज में जो भी दस्तावेज जो सबूत बताओ सबूत गवाह के रूप में
दिया जाना चाहिए वो मिल सकते मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे कस्टडी में रख के। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिए, कोशिश कीजिए कि हमें जोगी और समीरा पैकरा के भी रिएक्शन मिल जाए और साथ ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन मिल जाए, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण ये मसला हो जाता है जिस तरह से जाति मामले को लेकर जोगी एंड कंपनी घिरी हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है, राजनीति भी पुरजोर तरीके से प्रदेश में देखने को मिल रही है, और इसी बीच जिस तरह से जमानत उनको अब मिल गई है तो इस पर अब किस तरह से नई बहस छिड़ती है ये भी देखने वाली बात रहेगी।